हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज कंप्यूटर की इस प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ 8 दिन से इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, मतलब सरकार के निर्देश पर बंद थी 15 तारीख से, और इसी के चलते आपको 16, 17, 18, 19 की ट्यूटोरियल्स नहीं मिल सके, है ना, क्योंकि हफ्ते में 4 ही ट्यूटोरियल्स कंप्यूटर के भेजे जाते हैं आपको। तो यही वजह थी जो, मगर कल जैसे ही इंटरनेट रात में 2-3 बजे आया, मैंने सोचा कि सुबह सुबह आप लोगों की क्लास ली जाए। तो हम लोगों ने बात काफ़ी कुछ कर ली थी, और मेरे ख्याल से नंबरिंग और बुलेटिंग मैंने सब कंप्लीट करवा दी थी आप लोगों को, और मैंने पैराग्राफ पे भी बात की थी। निकालो। अब मैं आपको चुनने दो, मुझे छोटे-छोटे से निकालो। अब मैं आपको बताती हूँ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है? तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आपको क्या लगता है? ये मैंने इसके बारे में भी बात कर ली थी, चलिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, अगर बात कर ली थी तो, और नहीं की थी तो भी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है या नहीं। तो सब स्क्रिप्ट वो होता है जैसे कि आप कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, साइंटिफिक फार्मूला, तो खराब थोड़ी ना है वो, खराब डियर, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन लिखना O2 या वाटर का लिखना H2O, तो ये जो टू रहेगा ना H, ये नहीं निकलती है वाटर फॉर्मूला में, जो आपने H2O लिखा है तो HO के बीच में जो 2 आ रहा है ना, वो दोनों के बराबर में नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है ना। दैट इज सबस्क्रिप्ट, वी कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। और 2 to the power 4, 3 to the power क्या, जो भी है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं 3 to the power क्या, वो तो आप देखें, ठीक है। लेकिन जो ये मैंने लिखा है ना, अब 2 to the power 4 लिखा है तो पावर का निशान लगाया है, 3 to the power 3 लिखी है तो पावर का जो निशान लगाया है वो 3 और 3 के ऊपर आ रहा है, 2 और 4 से 2 to the power जो, वो थोड़ा सा जो सिंबल है वो ऊपर आ रहा है, वो कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। Alt H5 जो रहेगा वो सब स्क्रिप्ट का रहेगा। Alt H5 और Alt H6 दोनों में से ट्राई करके देख लीजिएगा, वैसे ही आपको कैसे लगाना है मैं बता देती हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का देना है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का जहाँ भी आपको दिखाना है, मतलब जहाँ भी आप लोगों को लगाना है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉलम्स रोज जो भी आपको मैंने बहुत सारे मैथड्स बताए हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+1 ना करके आप होम टैब में चले जाइए सीधे, ठीक है। ऑल्ट एच करके या ऑल्ट की प्रेस करके, ऑल्ट की जब हम प्रेस करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फोकस होम टैब पे ही जाता है, नहीं तो आप एप्लीकेशन मेन्यू यानी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू Shift+F10 या एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़र जो हैं वो एप्लीकेशन की प्रेस करके भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप टैप टैप करके जाएंगे तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दोनों मिल जाएगा, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। और आपको Alt H5 और Alt H6 करके दोनों को देख लीजिए, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के भी साइन है। और क्या होता है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, मैंने बता दिया सब स्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, दोनों मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात बहुत अच्छे से, बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आ गया। आज हम करते हैं बात फॉन्ट डायलॉग में कैसे जाते हैं एक्सेल के। फॉन्ट डायलॉग जो होता है, जो वर्ड का होता है, उसमें क्या आपको Ctrl+D करना होता है, तो आप सारे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस वही मिलेंगे, लेकिन Ctrl+D करना होता है MS वर्ड का, और जो Ctrl+1 करना होता है MS एक्सेल, क्या Ctrl+1। अब Ctrl+1 में जब हम करते हैं तो हम टैप टैप करेंगे तो सारे फॉर्मेटिंग के वही ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें अदर, जैसे मान लीजिए एक ही हमें लैब या रूम में घुसना है, एक ही लैब या रूम में हमें मूव करना है तो हम टैप टैप कर रहे हैं। अगर हमें अदर लैब्स में हमें रोमिंग करनी है, घूमना है, नेविगेशन करना है, तो हम क्या करेंगे Ctrl+Tab। तो जैसे ही आप क्या होता है, जैसे ही आप Ctrl+1 करेंगे तो आपको नंबर टैब सिलेक्ट होता है, कौन सा नंबर टैब सिलेक्ट होता है, Ctrl+Tab कीजिएगा, देखिएगा कौन सा टैब आएगा, फिर Ctrl+Tab कीजिएगा, इसके बारे में विस्तृत तौर पे पढ़ाऊंगी, पर आप देखिएगा कौन सा टैब आएगा, Ctrl+Tab करिएगा, और हर
जो अदर अदर ये जो सेक्शन है, फिर इसमें जो घूमेंगे वो टैप टैप से घूमेंगे। तो जरा देखिएगा कि कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, ठीक है? ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको सॉर्टिंग भी करवा दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग में डेटा टैब और होम टैब दोनों में आप उसको यूज कर सकते हैं, होम टैब में भी और डेटा टैब में भी, ठीक है ना? समझ आ गई बात? मतलब होम टैब में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डेटा टैब में भी मिल जाएगा, और आपको अगर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा सॉर्टिंग का। फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज, है ना? फिल्टरिंग होती है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उनमें से कुछ सिलेक्टिव डेटा, मतलब हमें कुछ डेटा चयनित करके जो हमारे काम का है, मान लीजिए हमारे पास 200 लोगों का डाटा है, 200 लोगों का, और उसमें से हमें केवल 20 ही लोगों का डेटा चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? फिल्टरिंग। और एक होती है दोस्तों एडवांस फिल्टरिंग, उसके लिए हम बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम है उसमें। तो एक होती है फिल्टरिंग, तो फिल्टर करना मतलब छानना, फिल्टर मतलब बोले तो छानना, ठीक है? तो वही चीज़, जब हमें बहुत सारे डेटा में से कुछ सिलेक्टिव चुना हुआ डेटा ही निकालेंगे अपने लिए चयनित करके, तो वो हमारा होगा फिल्टर, ठीक है? वो होता है फिल्टर। और ये ऑप्शन भी आपको सॉर्टिंग की तरह कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, है ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़र हैं वो तो उनको तो एप्लीकेशन की मिल जाएगी। एक्सटर्नल कीबोर्ड बोले तो डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड लगता है, अगर वो लैपटॉप पे भी वही लगाते हैं तो, और नहीं तो आप शिफ्ट F10 करें, आपका कोई भी विंडो हो, कोई भी ऑफिस हो, सब जगह काम करेगा। आपको डेटा टैब में भी मिलेगा और होम टैब भी मिलेगा टैब टैब से। फिल्टरिंग पे जाइए, खुद से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए। कल हम फिल्टरिंग के बारे में विस्तार पूर्वक यानी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको अपने ध्यान से रखिए। मैंने आपको सारे अलाइनमेंट बता दिए थे, राइट लेफ्ट सेंटर और जस्टिफाई सब बता दिया था। और एक होता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ हमने लिखा और दूसरा पैराग्राफ भी हमें उसी के आगे लिखना है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो पैराग्राफ के बीच में जो गैप होगा, लाइन छुट्टी होगी, वो होगी लाइन स्पेसिंग, ठीक है? तो ऑल्ट एच पी ए जो होता है वो पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ा जाता है, और ऑल्ट एच पी बी जो होता है वो पैराग्राफ के पहले छोड़ा जाता है। मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ एक दो लाइन पहले ब्लैंक है, तो वो बिफोर स्पेस है, बिफोर लाइन स्पेसिंग है। और अगर दूसरे और तीसरे और चौथे पैराग्राफ के बाद छुटा हुआ है, तो अगर सेकेंड थर्ड के बारे में बाद है, तो सेकेंड थर्ड के बाद बीच में जो है तो सेकेंड का तो आफ्टर है, लेकिन थर्ड का तो बिफोर है ना? तो जब जिस लाइन के अगर आपको, जहाँ आपको लगता है कि इस पैराग्राफ से पहले थोड़ा स्पेस होना चाहिए, कोई ब्लैंक लाइन होनी चाहिए, उसको बिफोर लाइन स्पेसिंग कहेंगे। जहाँ लगता है कि आपको ये आफ्टर पैरा होना चाहिए, तो कुछ लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, तो उसको आफ्टर लाइन स्पेसिंग कहेंगे। ऑल्ट एच पी बी, ऑल्ट एच पी ए, और ये आपको दोनों जगह मिलेगी। ये मिलेगा पेज लेआउट टैब में और होम टैब में मिलेगा, ठीक है? टैब टैब से जाएंगे नेविगेशन, तो लाइन स्पेसिंग, और ऑल्ट एच पी जी करेंगे तो उसके अंदर भी ऑप्शन आपको लाइन स्पेसिंग का मिल जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिए। कल की क्लास में फिर से हम कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।